पुष्पा 2 के डे 4 यानी कि संडे वाले दिन ने हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वेल, पिछले 2-3 दिनों से मैं यही बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हर एक दिन पुष्पा 2 एक नए रिकॉर्ड बना रही है। किसी भी दिन पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी पुष्पा 2 ने तोड़ दिया है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी और ऑल टाइम इंडस्ट्री का भी। अब इसी कमाई की वजह से लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है कि पुष्पा 2 को हम बाहुबली 2 की कमाई के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे। फिर अंत में चाहे पुष्पा 2 उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाए या फिर ना तोड़ पाए, लेकिन बाहुबली 2 के वो काफी ज्यादा नजदीक पहुंचेगी इस बात की गारंटी है, यानी कि 1500 करोड़ का आंकड़ा। बाकी तुम लोग बताओ, तुमको क्या लगता है कि पुष्पा 2 का ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड क्या होगा? और हाँ, जब कमेंट करने लगोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर बात करते हैं कि पुष्पा 2 के संडे वाले दिन कलेक्शन क्या रहे। सबसे पहले डे 4 यानी कि पुष्पा 2 के हिंदी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसने संडे यानी कि छुट्टी वाले दिन कमाए हैं 86 करोड़। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवान के पास था जिसने कि 74 या 75 करोड़ के आसपास कमाए थे। वहीं पर इसके तेलुगु वर्जन ने संडे वाले दिन कमाए हैं 43.15 करोड़। और डे 5 यानी कि मंडे वाले दिन जो कि एक वर्किंग डे है, उस दिन पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने कमाए हैं 48 करोड़, जो कि बहुत सारी हिंदी फिल्मों के ओपनिंग डे से भी ज्यादा है। इसके अलावा डे 6 यानी कि मंगलवार को इसने कमाए हैं 36 करोड़। बाकी तेलुगु वर्जन ने डे 5 पर 13 करोड़ और वहीं डे 6 पर 12 करोड़ की कमाई की है। पुष्पा 2 के हर दिन की कमाई को तो अगर तुम बाहुबली 2 के साथ कंपेयर करोगे तो पुष्पा 2 हर दिन की कमाई में बाहुबली 2 से कहीं गुना ज्यादा आगे है। अब पुष्पा 2 के टोटल 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने कमाए हैं 974 करोड़, जिसका मतलब है कि 6.5 दिनों के अंदर ही पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ की कमाई कर ली है। और जिस हिसाब से पुष्पा 2 इंडिया में कमाई कर रही है, वो बाहुबली 2 के इंडिया में 1000 करोड़ के कलेक्शन को बीट कर देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुष्पा 2 बाहुबली 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो 1700 करोड़ को है, क्या बीट कर पाएगी? वेल, अगर पुष्पा 2 स्त्री 2 की तरह होल्ड दिखाती है तो बहुत आसानी के साथ ये बाहुबली 2 के कलेक्शन को तोड़ सकती है और इसकी ओवरऑल कमाई लगभग 1800 करोड़ के आसपास होगी। अब देखते हैं कि पुष्पा 2 आगे चलकर और कितने रिकॉर्ड्स को तोड़ती है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताओ कि क्या ये बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।